वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डुप्लीकेट कैसे फाइंड करते हैं और आज हम डुप्लीकेट रिमूव कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये डेटा है, अब इसमें से मैंने डुप्लीकेट तो फाइंड कर दिया था। तो मैंने पिछली वीडियो बताया था कि ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज और उसके बाद ओके। तो ये जितने भी हाईलाइटेड है वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट तो हमने फाइंड कर दिए, अब इन्हें हटा लें। तो हटाने के दो तरीके, एक तो मैनुअल तरीका और एक ऑटोमेटिक तरीका। मैनुअल से क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट कर देंगे। अभी देखो तीन है, इसमें से अगर हम दो को हटा देते हैं, देखा अब ये डुप्लीकेट नहीं, सेम ही लंडन इतने सारे, तो इसको हम हटा देंगे ऐसा कर। ये तो हमारा मैनुअल तरीका, बट अब हम इसको करेंगे ऑटोमेटिक तरीके से कि एक साथ हमारा डुप्लीकेट। तो क्या करेंगे, जो डेटा हमें सेलेक्ट करना है वो पैरा हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें हटाना है, उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर क्लिक कर। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आपको देखो डेटा देख लो, आपको अगर ये क्लिक कर लोगे, ये क्लिक होना जरूरी, तो ये आपके हेडर बता देगा, और अगर क्लिक नहीं करोगे तो कॉलम के नेम बताएगा, जैसे ये मेरे रखती है। अब हम इसे देखेंगे कि डुप्लीकेट हमें किसमें से हटाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिसलेक्ट ऑल करेंगे, हमें सिटी से डुप्लीकेट हटा, तो सिटी पर हम क्लिक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो ये तो सारे हमारे डुप्लीकेट ये डिलीट, देखा एक साथ सेम एज इट इज। हमें अगर कंट्री में करना है तो हमें क्या करेंगे, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम डेटा में जाएंगे फिर से, उसके बाद हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में जाते ही इसे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे डिसलेक्ट ऑल, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री को और ये ओके कर, यहाँ पे बताएगा कि 48 डुप्लीकेट्स वैल्यू फॉर्म एंड रिमूव 21 यूनिक वैल्यूज रिमेन्स। तो यहाँ पे डेटा इन्होंने बता दिया, यहाँ डेटा अगर आपको सपोज कि थोड़ा आपको लगता है कुछ गलत हो गया, आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका डेटा फिर से एज इट इज आएगा। डुप्लीकेट को डिलीट करना किसी डेटा में से कितना आसान है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।